आइए इसमें देखते हैं जरा सा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, इसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग एल्गोरिथम लिखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये 3x² + 5x - 1 लिखा हुआ है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज योर डिविडेंड। यहाँ पे जो फंक्शन है fx यही है, इसको डिविडेंड है। ये क्या है, ये आपका gx है, दिस इज योर डिवाइजर। तो जब हम इस डिविडेंड fx को gx से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन क्या मिलेगा और रिमाइंडर क्या मिलेगा चेक करते हैं। और ये डिवीजन जो है आप लोग क्लास 8 में पढ़ करके आए हैं, तो एक बार देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चंस, जिसको नहीं आता है एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है ये समझ में आ जाए आपको। यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ 3x² + 5x - 1 है। देखिए इसका जो फर्स्ट टर्म है दिस इज योर 3x² और यहाँ पे पहला टर्म है यहाँ पे x। x को कितने से मल्टीप्लाई करा जाए ताकि 3x² आ जाए, बहुत सिंपल है, आप इसको 3x से मल्टीप्लाई कर दो। 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3x² और यही 3x यहाँ जो मिला है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x इंटू 2 दिस इज योर 6x। तो सेम डिग्री वाला के सामने लिख देना है 6x, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 5x - 6x दिस इज योर -x और यहाँ से -1 कॉपी पेस्ट। अब देखिए यहाँ x है यहाँ -x है, तो x को -x बनाने के लिए क्या करेंगे आप, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -x ये -1 ही 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज योर -2, ये प्लस ये कैंसिल, 2 - 1 - 1। अब देखिए यहाँ पे जो आपको ये 1 मिला है, दिस 1 इज योर रिमाइंडर, इस 1 को आप रिमाइंडर बोलेंगे। उसके बाद ये जो 3x - 1 मिला है आप इसको बोलेंगे क्वेसेंट है ये, ठीक है। एंड यू ऑलरेडी नो दैट ये वाला वैल्यू क्या है, इसको आप बोलते हैं डिविडेंड, ये डिविडेंड हो गया। और ये जो x प्लस 2 था इसको आप बोलेंगे डिवाइजर, ठीक है। तो आपको सारे टर्म्स इसमें समझ में आना चाहिए कि डिविडेंड ये वाला होता है, इसको क्वेसेंट और ये डिवाइजर और ये रिमाइंडर। तो आपसे क्वेश्चन ये और ये चीज़ दे देगा और बोलेगा डिवाइड करके बताओ क्वेसेंट क्या आने वाला है, रिमाइंडर क्या आने वाला है, आपसे क्वेसेंट और रिमाइंडर पूछ सकता है, ठीक है। अब वेरिफिकेशन करते हैं इसका कि ये जो लिखा हुआ है ये एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो इसको भी चेक करते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं वेरीफाई या फिर आप कह सकते हैं वेरिफिकेशन। तो देखिए वेरिफिकेशन में क्या होगा, सबसे पहले ये आपका fx है, तो fx इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। ये LHS और ये RHS ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो फंक्शन तो आपको पता है fx ये है पॉलिनोमियल दिस वन, हम लोग ये RHS को फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले gx का वैल्यू कितना है, gx का वैल्यू आपका gx कहाँ पे, ये gx है, दिस इज योर x प्लस 2। उसके बाद इंटू qx का वैल्यू, qx ये रहा आपका, दिस इज योर 3x - 1 एंड प्लस rx का वैल्यू कितना मिला है, rx आपको रिमाइंडर 1 मिला है, तो यहाँ पे आप 1 लिख लेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 3x इंटू x दिस इज 3x² x इंटू -1 दिस इज -x 3x इंटू 2 प्लस 6x 2 इंटू -1 - 2 और ये प्लस 1 यहाँ पे है, तो दिस इज 3x² 6x - x 5x एंड दिस इज -1। ये आपका fx का वैल्यू मिला। अब आप चेक करो fx का वैल्यू 3x² + 5x - 1 है कि नहीं है, इसका मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर डिवीजन एल्गोरिथम जो है यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है डिवाइड 3 - x + 2x² / 2 - x एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये एक जनरल फॉर्म में दिख नहीं रहा है, इसको आप थोड़ा सा अरेंज करेंगे। अरेंजमेंट जब करेंगे तो आप पहले ये समझ लो कि डिवाइड किसको करना है, डिवाइड इस वाले पॉलिनोमियल को करना है, इस वाले पॉलिनोमियल से। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको डिवाइड करना है उसको तो आप fx बोलते हैं और जिससे डिवाइड करना है उसको हम लोग gx बोलते हैं, तो fx और gx तो पता चल गया। तो देखिए हम लोग यहाँ पे fx लिख रहे हैं, यहाँ पे fx लिखते हैं। अब fx क्या लिखेंगे आप, ये नहीं लिखेंगे, इसको आप अरेंज करके लिखेंगे, 2x² पहले लिखना है, फिर -x और फिर +3, इस तरह से लिखना है आपको। उसके बाद gx का वैल्यू 2 - x लिखा है, आप इसको -x पहले लिखो और फिर 2 लिखो, पहले वेरिएबल फिर कौन। ओके स्टूडेंट देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब करते हैं यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, डिवाइड करना है इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। तो जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है उस पॉलिनोमियल को हम लोग fx बोलते हैं और जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है उसको हम लोग gx बोलते हैं। तो fx दिया हुआ है जो कि हम fx यहाँ पे लिख दिए हैं, बट आप ध्यान देखेंगे कि fx लिखा कैसे गया है, आप fx को अरेंज करके लिखेंगे, पहले वेरिएबल डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री होगा और लास्ट में कॉन्स्टेंट होगा, तो पहले 2x² फिर -x एंड +3 लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद gx के बाद क्या है 2 - x, इसको हम लोग लिखेंगे -x + 2, पहले वेरिएबल देन आफ्टर कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो फंक्शन लिखा गया यहाँ पे gx लिखा गया, दिस इज fx, दिस इज gx, अब हम डिवाइड करते हैं इसको।
तो देखिए डिवीजन कैसे करेंगे, माइनस एक्स है यहाँ, टू एक्स स्क्वायर है, आप इस माइनस एक्स के साथ क्या ऑपरेशन कर सकते हैं ताकि आपको टू एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो आप माइनस एक्स को अगर आप माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट टू एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो टू एक्स स्क्वायर मिला। अब ये माइनस टू एक्स का वैल्यू जो यहाँ माइनस टू एक्स मिला है, इस माइनस टू एक्स को आप टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा माइनस फोर एक्स। दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, ये कैंसिल आउट, 4x माइनस एक्स दिस इज 3x एंड यहाँ पे प्लस 3 बचा। अब आप इस माइनस एक्स को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपको प्लस 3x मिल जाए, यू विल गेट माइनस 3 से आप पहले मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा 3x एंड माइनस 3 प्लस 2 दिस इज माइनस 6, माइनस और यहाँ प्लस ये कैंसिल, 6 प्लस 3 9। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको मिला 9, ये 9 क्या है, सबसे पहले ये 9 मिला हमको rx का वैल्यू, रिमाइंडर ये क्या है, दिस इज योर क्यू एक्स क्वेसेंट है, ये तो आपको पता है ये एफ एक्स होगा और ये आपको पता है कि ये जी एक्स होगा। अब हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करते हैं। तो देखिए जब वेरीफाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम को तो आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ऐसा होता है। अब देखिए जी एक्स का वैल्यू कितना है, जी एक्स ये रहा आपका, दिस इज योर माइनस एक्स प्लस टू, एंड क्यू एक्स का वैल्यू कितना है, दिस इज योर टू एक्स माइनस थ्री, एंड प्लस आर एक्स का वैल्यू कितना रहा, आर एक्स का वैल्यू यहाँ पे 9 हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, टू एक्स इंटू माइनस एक्स दिस इज माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस थ्री दिस इज प्लस थ्री, एंड प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स और यहाँ पे प्लस 9। तो यहाँ से मिला आपको माइनस टू एक्स स्क्वायर 4x और यहाँ पे 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 9 दिस इज योर 6, ये आपको मिला एफ एक्स का वैल्यू। अब आप चेक करो एफ एक्स का वैल्यू ये है, दिस इज टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, यहाँ पे माइनस टू एक्स स्क्वायर ये रॉन्ग आ गया, इसका मतलब कि कहीं पे एरर हो गया मल्टीप्लीकेशन में, माइनस एक्स प्लस 2 और यहाँ पे एरर हो गया, माइनस टू एक्स माइनस 3 था। तो हम लोग इसको फिर से कर लेते हैं, दिस इज माइनस एक्स माइनस टू एक्स, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 दिस इज प्लस 3x और यहाँ पे माइनस 4x एंड माइनस 6 यहाँ पे प्लस 9। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 3x माइनस 4x दिस इज माइनस एक्स एंड दिस इज योर 3, ये आपको मिला fx का वैल्यू। अब आप चेक करो fx का वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 है, यहाँ पे वन सेकेंड 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 है, देयरफॉर जो रिलेशन है ये जो एल्गोरिथम है ये वेरीफाइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डिवाइड करना है इस वाले पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से एंड आपको वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम। वन सेकेंड वैसा ही क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं जरा सा। देखिए आपके पास ये बोला गया है कि ये वाले फंक्शन को, ये वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जिसको डिवाइड करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एक्स। तो आप इसको लिखेंगे मिडिल में, यहाँ हो जाएगा और वो भी अरेंज करके लिखना पड़ेगा आपको, माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 19 एक्स और प्लस 6। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, उससे करना है। तो आप इसको यहाँ लिखिए अरेंज करके, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। देन अब आप उसको डिवाइड करके देखा जाए कि यहाँ पे क्या मिलता है आपको रिमाइंडर में। तो देखिए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है या माइनस सिक्स एक्स क्यूब है, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को माइनस सिक्स एक्स क्यूब कैसे बना सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई इट बाई 2x। अगर 2x से मल्टीप्लाई करा जाए तो माइनस सिक्स एक्स क्यूब हो गया और 2x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज 10x स्क्वायर एंड 2x यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज 4x। यहाँ से ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x एंड यहाँ पे प्लस 6। अब ये माइनस 3x स्क्वायर को माइनस 9x स्क्वायर कैसे बनाएंगे, माइनस 3 को आप प्लस 3x ओनली प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x एंड दिस इज प्लस 6। ये हो गया प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये सारा टर्म जीरो हो गया। तो आप देखिए ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि रिमाइंडर सॉरी जो एल्गोरिथम है ये वेरीफाई करना है। तो एल्गोरिथम क्या लिखेंगे आप, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जी एक्स वैल्यू ये है, दिस इज माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और क्यू एक्स का वैल्यू वहाँ है, दिस इज 2x प्लस 3 एंड हियर रिमाइंडर इज जीरो। आपको रिमाइंडर जीरो मिला था। अब यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस सिक्स एक्स क्यू बन जाएगा ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ तो, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9x स्क्वायर, फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10x स्क्वायर एंड फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 15x एंड प्लस ये टर्म इससे होगा तो 4x प्लस 6।
ठीक है। अब यहाँ से माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर दिस इज एक्स स्क्वायर, फिफ्टीन एक्स प्लस फोर एक्स दिस इज नाइनटीन एक्स एंड हियर प्लस सिक्स। आप चेक करो ये फंक्शन के बराबर एफ एक्स के बराबर आया कि नहीं आया, एफ एक्स आपका ये था, ये रहा एफ एक्स। तो देखो माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नाइनटीन एक्स प्लस सिक्स सेम आया, इसका मतलब कि डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे वेरीफाइड है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस दो तीन क्वेश्चंस का अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग अलग टाइप्स का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे।